दोस्तों स्वागत है आपका एशिया कप 2018 से जुड़ी हुई एक नई वीडियो में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात करी एशिया कप 2018 में टीम पाकिस्तान के फुल स्क्वाड के बारे में। 16 मेंबर का स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी टीम के फर्स्ट प्लेइंग 11 की या फिर बेस्ट प्लेइंग 11 की। कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं उन 16 खिलाड़ियों में से जो कि परफेक्ट प्लेइंग 11 में पाकिस्तान की टीम में आने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ओपनर्स की, तो यहाँ पर फखर जमान हमें ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से लगातार पाकिस्तान के जो है वो बेस्ट ओपनर बने हुए हैं और एक डबल सेंचुरी भी वो लगा चुके हैं। उनके साथ दोस्तों यहाँ पर होंगे इमाम उल हक, जो भी एक बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा जो है वो खेल रहे हैं। नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर आएंगे पाकिस्तान टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर यानी बाबर आजम। नंबर 4 पर होंगे दोस्तों शोएब मलिक, जिनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। नंबर 5 पर होंगे दोस्तों आसिफ अली, जो कि अपनी हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही अच्छे हिटर है, छक्के लंबे लंबे लगाते हैं। उनके बाद होंगे दोस्तों कप्तान सरफराज अहमद। 7वें नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर आएंगे ऑलराउंडर फहीम अशरफ, जो कि एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। उनके बाद एक और ऑलराउंडर सदाब खान आएंगे, जो कि एक स्पिनर है और बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर भी है। उनके बाद दोस्तों बात करें 3 फास्ट बॉलर की, तो यहाँ पर होंगे हसन अली, मोहम्मद आमिर और जुनेद खान। यहाँ पर दोस्तों जुनेद खान की जगह पर साइन अफरीदी को भी मौका मिल सकता है। साइन अफरीदी जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे युवा तेज गेंदबाज है पाकिस्तान के लिए, और लगातार जो है पाकिस्तान उन्हें खिला रही है, तो ऐसे में जब इंडिया से मैच होगा तो साइन अफरीदी भी हमें दिखाई दे सकते हैं जुनेद खान की रिप्लेसमेंट के तौर पर। तो दोस्तों ये है वो 11 खिलाड़ी जो कि आते हैं पाकिस्तान की परफेक्ट प्लेइंग 11 में। आपको कैसी लगी ये प्लेइंग 11 दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या कोई चेंज आप देखना चाहते हैं इस प्लेइंग 11 में, वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ये प्लेइंग 11 टीम इंडिया पे भारी पड़ेगी या फिर टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो भारी पड़ेगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।